मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार की प्रस्तावित योजना को हरी झंडी दे दी है। इसका निर्माण ठीक उसी तर्ज पर किया जाएगा जिस तरह से बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। कॉरिडोर का निर्माण सरकारी पैसे से किया जाएगा। इसका मंदिर के खाते में पड़े पैसे से कोई लेना देना नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इसके बनने के बाद श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी और वो आराम से दर्शन कर सकेंगे, वहीं पर्यटन भी अच्छा होगा। रास्ता साफ हो गया तो क्या कहना है, हमें तो खुशी होती है कि इतना अच्छा काम हो गया है। अभी कॉरिडोर बनेगा और इतना रास्ता साफ हो जाएगा और अभी भक्तजन जितने भी आएंगे बांके बिहारी देखने का और अच्छी तरह से कंफर्टेबली एक दर्शन हो सकता है और बहुत सुंदर भी होगा, बहुत खूबसूरत होगा। और जिसको कुछ ऐसे सोच रहे थे उनका क्या होगा, सबका अच्छा ही होगा, सबका भला होगा। इसमें बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर का जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। चलिए अब आपको बताते हैं इस कॉरिडोर की खासियत क्या होगी और कितने एकड़ में इसे बनाया जाएगा। कॉरिडोर का निर्माण करीब 5 एकड़ में किया जाएगा। कॉरिडोर में 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता जुगल घाट से शुरू होगा, दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से और तीसरा रास्ता जादौन पार्किंग से शुरू होकर मंदिर तक पहुंचेगा। कॉरिडोर की खासियत की बात करें तो ये कॉरिडोर 2 मंजिला बनाया जाएगा। कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही शौचालय और पानी पीने का इंतजाम होगा। सामान घर, जूता चप्पल रखने के लिए जगह होगी। कॉरिडोर में मेडिकल इमरजेंसी की भी व्यवस्था बनाई जाएगी। जगह जगह बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।